वो माना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बड़े साहिब कशफ थे, बड़े बड़े अहलुल्लाह बुजुर्गान दीन उनकी खिदमत में नियाज मंदाना हाजिर होते थे। वो हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब माना कासिम नानोत्वी माँ रहमतुल्ला कहरानवी के गोया हम पल्ला हम मकाम उनके मुआसिर हैं। माना थानवी कुद्दुस रूह तो जब पढ़ाया करते थे कानपुर तो गंज मुरादाबाद जाया करते थे, एक दो बार या तीन बार गए हैं तो डरते डरते जाते थे और नियाज मंदाना वहां डरते थे। उनको कश्फ उनका बहुत अजीब कश्फ था, उनका कश्फ अजीब था। एक शख्स उनकी मजलिस में आया जिसके चेहरे पर बहुत अनवार थे, पहले भी सुनाया होगा मैंने, शायद सुना होगा लोगों ने, यानी गोया बहुत ज्यादा विर्द वजीफा जिक्र करता होगा, जिक्र के अपने असरात होते हैं, जैसे साबुन है, साबुन लगा के कपड़े को धुलोगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, मैल कुचैल दूर हो जाएगा। अब चाहे वो साबुन हलाल पैसे का खरीदा हुआ हो या नाजायज पैसे का, साबुन का तो असर है। अब जिक्र खूब किया हुआ होगा और चेहरा मारे अनवार के फटा जाता था। इसके रावी उनके खास खलीफा जो बानी भी है नदवे के, हजरत मौलाना मन्नतुल्ला रहमानी के वालिद माजिद, मौलाना वली रहमानी के दादा जान हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी के खुलफा में से थे, बड़े अल्लाह वाले इंसान थे, वो रावी है कि जब वो शख्स हजरत की मजलिस से चला गया तो हजरत ने अपने अहबाब से मुखातिब होकर फरमाया, देखा आप हजरत ने इस शख्स का चेहरा मारे अनवार के फटा जाता था, मगर अल्लाह ताला से इसे कोई मुनासिबत नहीं थी। हम यही देख के मुतासिर हो जाते हैं कि चेहरे पे बहुत नूर है, बहुत से बिदतियों को देखो जाके चेहरा चमक रहा होता है। ये देखो इत्तिबाए सुन्नत भी है या नहीं, क्या देख रहे चेहरा है, चेहरे में बड़ा नूर है। आप देख लीजिए उनके यहां इत्तिबाए सुन्नत में खास बहुत जोर था।